अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। कोई इंसान है, वो चाहता है कि मेरा बच्चा भी आध्यात्मिकता के रास्ते पर आए, लेकिन उसका बच्चा आता नहीं है, वो उसका माइंड कहीं और पे चल रहा है, तो वो कैसे अपने बच्चे को आध्यात्मिकता के रास्ते पर लेता है? बच्चे तो स्कूल में भी नहीं जाना चाहते, कैसे भेजते हम उनको, है ना? तो जहाँ आध्यात्मिक ज्ञान के, संस्कृति के क्लासेस है, वो डांस क्लास के लिए जबरदस्ती भेज देते हैं, सिंगिंग क्लास के लिए भेज देते हैं, टाइक्वांडो के लिए भेज देते हैं, और बाहर खाली आध्यात्मिक मार्ग पे बोलते हैं, कैसे हम बच्चों को भेजें? बच्चे जब छोटे होते हैं तो जहाँ माता पिता कहेंगे वहाँ वो जाएंगे, और बचपन से अगर अच्छी जगहों पे लेकर जाओ जहाँ उन्हें अच्छी शिक्षा मिले, संस्कार की, संस्कृति की, धर्म की, तो और बताओ हम में से कौन ऐसे बच्चे थे जब दादी माँ हमें पुराणों की कहानियाँ सुनाती थी और हम बड़े ध्यान से नहीं सुनते थे, ध्रुव प्रहलाद की कहानी, हनुमान की कहानी, ये कथाएं इतने प्रेम से हम सुनते थे क्योंकि बच्चों में तो बस वो उत्साह है, दे वॉन्ट हीरोज इन देयर लाइफ, ना उसको हम देते ही नहीं और फिर कहते हो बच्चे को नहीं ना? अब बच्चे इतनी क्लासेस में जाते हैं, अगर बोलेंगे एक और क्लास में लेकर जाओ तो बोलेंगे हमको नहीं जाना है, पर जब कुछ समय हम उनको बेचते हैं और घर में जो वो सीख के आते हैं हम प्रैक्टिस करते हैं तो उसका लाभ, बच्चे तो ऐसे है उसका लाभ समझ ही जाते हैं कि कैसे मन शांति, उनको मन की शांति के बारे में नहीं मालूम होगा लेकिन मन शांत हो गया, पढ़ाई में मन लगा, पढ़ाई अच्छी तरह से होने लगी, घर में प्रेम शांति बड़ी, बच्चे पकड़ लेते हैं उसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।